आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो जी 9 के बारे में। मोटो जी 9 ब्राजील में लॉन्च हुआ है, जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होगा। काफी फेमस सीरीज है मोटो की। पहले जो जी सीरीज आती थी काफी फेमस सीरीज होती थी, G5 G4 काफी एक बेस्ट सेलिंग फोन होते थे उस टाइम पे। तो अब आ रहा है मोटो का G9 G8, भी मेरे ख्याल से अच्छा ही फोन था। अब आ रहा है G9, क्या होगी प्राइस, क्या होगा स्पेसिफिकेशन और कब इंडिया में हो सकता है लॉन्च, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है मोटो जी 9 की। ब्राजील में लॉन्च हुआ है मोटो जी 9, 6.8 इंच के आपको इसके अंदर फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो कोई एचडी प्लस ऐसा कुछ नहीं है, पंच होल डिस्प्ले होगी, एमोलेड नहीं होगी, फुल एचडी प्लस की आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 64 मेगापिक्सल का आपको पीछे के बाजू रियर क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, तो चार कैमरा होने वाले हैं। फ्रंट आपको जो फ्रंट में है वो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले के अंदर मतलब वाटर ड्रॉप होगा या ऐसा कुछ होगा तो या पॉपअप होगा, नहीं। फ्रंट में जो आपको पंच होल डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है मोटो जी 9 के साथ, आप ही को बॉक्स में देखने को मिलेगा 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग। तो ये तो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात हो गई। बात करें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर आपको इनमें मिला, जो कि थोड़ा गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। 730G SoC देखने को मिलने वाला है। 4GB की रैम आपको देखने को मिल सकती है, 6GB की रैम आपको देखने को मिल सकती है, 4GB 128GB, 6GB 128GB। 5000mAh की बैटरी होने वाली है, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और बस यही कुछ खास स्पेसिफिकेशन होने वाली है। पीछे की बाजू आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, 64+12+5+2 मेगापिक्सल के, और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो जो ब्राजील में लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है 2.2 समथिंग कुछ ऐसा लॉन्च हुआ है, BRL के अंदर लॉन्च हुआ। तो ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंडिया के अंदर तो बताया जा रहा है कि 31,000 के आसपास आ सकता है। जी हाँ, इतना महंगा होगा हुआ जो मोटरोला का G9 है वो थोड़ा महंगा फोन होने वाला है। प्राइस वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज इतना खास नहीं है। सब्स्टिट्यूट की बात कर लेते हैं, जब इसके प्राइस की बात करी ली है तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड गो वाला मिलने वाला है, डुअल सिम सपोर्ट करेगा, फुल एचडी डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी, HDR10 होगा, क्वालकॉम का प्रोसेसर, सब तो बात कर ली। कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, कॉम्पिटिटर की बात करें तो अब आपको मार्केट में दो कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं। एक तो है सैमसंग, जो कि कल ही फोन लॉन्च हुआ है, सैमसंग का M51, ठीक फोन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और एक जो फोन है वो है OnePlus का Nord। OnePlus Nord में कहूँ तो सैमसंग से और इससे दोनों से थोड़ा काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है OnePlus Nord। पीछे के बाद जो ग्लास बॉडी आपको देखने को मिलती है साइड में, भले प्लास्टिक है लेकिन ओवरऑल फोन में को जो OnePlus का है वो ज्यादा अच्छा लगा है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, हालांकि जो सैमसंग का M51 है उसके अंदर आपको साइड में देखने को मिलता है, मोटोरोला के G9 के अंदर आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सेम प्राइस के अंदर आपको OnePlus का जो Nord है वो काफी अच्छा स्पेक्स वाइज आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से बताया जाए 31,000, अगर इतना ही महंगा लेके आता तो कोई लेने वाला ही नहीं है। अगर वही 25,000 के आसपास कुछ लेके आता है तो तीन फोन हो जाएंगे अब 20 से लेकर 30 के बीच में, जिसके अंदर आपको मोटरोला का G9 देखने को मिलेगा, सैमसंग का M51 होगा और OnePlus का Nord होगा, सब सेम स्पेसिफिकेशन के साथ होने वाले हैं। तो अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा परचेस करना है, सैमसंग परचेस करना है जो कि एक नॉन चाइनीज कंपनी है, OnePlus परचेस करना है जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और मोटरोला परचेस करना है जो कि एक चाइनीज कंपनी ही है। देखने वाली बात है आपको कौन सा पसंद आता है। हालांकि अगर सेम प्राइस के अंदर आता है तो मेरे ख्याल से OnePlus Nord अच्छा है, उसके बाद सैमसंग M51 बहुत अच्छा है, उसके बाद ही आप थर्ड में कंसिडर कर सकते हैं कि अगर दोनों ही आपको नहीं जज रहे तो शायद आप मोटरोला के जा सकते हैं, वरना मेरे लिए तो OnePlus Nord फिर सैमसंग M51 आता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है मोटरोला का G9 इंडिया के अंदर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे इसी तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।